approaching. जब कोई शक हो तो वो आके अपनी इस्लाह कर सकता है। बाद में पढ़ा देंगे ये सब इधर उधर हो जाएगा। ओरिजिनल जो चीज़ है ना उसको रहने दो। हाँ हाँ अंजुमन सरफरोश इस्लाम कराची डिवीजन के अमीर सईद सिद्दीकी कार के हादसे में जहाँ भाग। अंजुमन सरफरोश इस्लाम कराची डिवीजन के अमीर मोहम्मद सईद सिद्दीकी एक कार के हादसे में जहाँ वाहक हो गए। वो 11 अप्रैल 1996 को मोची दरवाज़ा लाहौर में होने वाली इसमें आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पंजाब रवाना हुए थे कि मियाँ वाली के मकाम पर उनकी कार को हादसा पेश आ गया। मोहम्मद सईद सिद्दीकी मौके पर ही जहाँ वाहक हो गए जबकि दीगर साथी शदीद जख्मी हो गए जिन्हें मियाँ वाली अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मोहम्मद सईद सिद्दीकी की मैयत उनकी रिहाइशगाह गुलशन इकबाल R 348 ब्लॉक 4A सहाफी कॉलोनी से बुध की सुबह उठाई जाएगी। ये खबर है आज 9 अप्रैल 1996 की। हमारा प्यारा भाई मोहम्मद सईद सिद्दीकी हमसे रुखसत हुआ। खोला जाए इसमें खून जो है साफ नहीं। हाँ ले जाऊँ आज़म कॉन्फ्रेंस के पंपलेट और ये खून जमा रहे थे। चेहरे पे भी वही जमा इसमें आज़म कॉन्फ्रेंस के स्टिकर भी रखे हैं सरकार की तस्वीर भी रखी हुई है। Yeah.
आप लोग
حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدد اللہ العالی کے پروانے سید احمد صدیقی جو کہ 9 نومبر 1996 کو میاں والی کے قریب سرکار کے قریب گاؤں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شہید ہوئے ان کے نماز جنازہ کے لیے کراچی سے یہ بسوں کا قافلہ یہاں پہنچ چکا ہے یہ مرکز روحانی حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی کوٹ شریف کی بڑی درسگاہ ہے کی آمد آمد کامل سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدد اللہ العالی کے اس غلام کو ہر دل عزیز ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ہر آنکھ نم ہے چاہے وہ کسی خطے کسی علاقے کے ساتھی ہوں ہر ایک اپنی محبتوں کا ہر آنکھوں میں آنسو لیے کر رہا ہے برائے مہربانی
بخشش کر تھوڑا سا آپ لوگ لین بنا لیں لائن بنا لیں تاکہ آتے جائیں گزر کے مہربانی کر کے لائن بنا لیں بھائی آرام سے سب کو دکھائیں گے Yeah.
सईद भाई के जो भी फैमिली सईद भाई के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि अभी आ रहे हैं और सईद का विचार कर लें। यहां ला दे यार, रखो यार, रखो अम्मी आराम से, थोड़ा और इधर आ जाइए, इस तरफ अम्मी और जो कि तकलीफ तंगी पहुंचाई हूँ हमें माफ कर दीजिए, बेटा जी नहीं भरेगा, अम्मा हम नहीं, अब बोल दो माफ कर दो, गोल शाही का हवाले कर दो, अब इसको कर दिया आपने, बस अम्मा जी बंदर हो भाई, बस अब माफ कर देना बेटा, देखो जिस कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई है इससे तो मैं माफी मांग रहा हूँ। अनीसा खाला कर दी, अनीसा खाला, अनीसा खाला, बाकी तमाम खातिन चले आ रहे हैं, अनीसा खाला, अम्मा आपने मुर्शिद के हवाले कर दिया, बस आप बिल्कुल हशियार बचा।
बेशक पूरा बदकार हूँ पर हूँ तो आपका बेशक क्या दी है Thank you.